एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो इधर देखिए, सुबह सुबह मैं गैस साफ़ कर रही हूँ अभी नाश्ता बनाने के लिए। तो गैस पहले गर्म पानी कर लेते हैं, उसके बाद साफ़ करते हैं कि तेल का छिट्टा पड़ने से चिकनाहट ज़्यादा होता है तो इसे नहीं साफ़ होता है, इसलिए गर्म पानी से ही साफ करते हैं। और अब जाना सब्जी काटेंगे। और ये देखिए, आज मुनगा आया है हमारे यहाँ और इसी का सब्जी बनाएंगे। आपके यहाँ क्या बोलते हैं इसे? हमारे यहाँ तो मुनगा बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये अभी पतला पतला है तो इसे काट कर और उबाल करके बनाएंगे। पतला वाला ही खाने में अच्छा लगता है। In a magic way, whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love, been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You look so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever be alone. My summer love, been waiting for you, my love. Completely a fool, been waiting for you, my love. और ये देखिए, छोटा करेली आया है। तो छोटा छोटा जो करेली होता है उसका भुजिया बहुत टेस्टी होता है। तो इसके काट लिए हैं और इसे भून लेंगे। भून लिया और एक तरफ चढ़ा दिए हैं मुनगा उबलने के लिए, क्योंकि इसे बनाने में अच्छा नहीं लगता है, उबाल कर ही बनाते हैं। तो आज नाश्ते में मुनगा की सब्जी और करेली का भुजिया, साथ में रोटी बनेगा। और एक तरफ चाय चढ़ा दिए हैं क्रिस के पापा जी के लिए। चाय तो घर में कोई पीता नहीं है, केवल वही पीते हैं चाय, उन्हीं के लिए चाय है ये। देखिए, मेरा सब्जी बनकर रेडी हो गया है और अब बनाएंगे रोटी। और नाश्ता बनाने के बाद आज फिर आलू का चिप्स भी बनाना है, क्योंकि एक बार तो बहुत थोड़ा सा बनाया है 2 kg का, और फिर बनाना है अभी। तो मैं नहा करके अब ब्रेकफास्ट कर ली हूँ, उसके बाद ये आलू का चिप्स बनाने जा रही हूँ, क्योंकि इसे तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है सब काम करने में। तो इसे काट करके रख ली थी पहले और अब इसे उबालेंगे। उबाल करके ले जाएंगे तो फिर छत पर इसे फैलाएंगे। देखिए, आलू तो बहुत अच्छा काटे हैं, बड़ा बड़ा आलू था। और इसे अभी धो ले रहे हैं अच्छे से, धो करके इसे और उबाल लेंगे। और ये इडली कुकर का जो बर्तन है उसी में उबालेंगे, क्या कि मेरे पास और कोई बड़ा बर्तन है नहीं, तो इसी में उबालेंगे। देखिए, उबालने के लिए भी चढ़ा दिए हैं और बस तुरंत उबल जाएगा ये। और ये देखिए, ये है आलू का सत जो निकला है, उसी का पापड़ बनाएंगे। इसका पापड़ भी बहुत अच्छा होता है, एकदम साबूदाना के पापड़ जैसा हल्का। तो इसे भी पका ले रहे हैं और इसे प्लास्टिक पर फैला देंगे चम्मच से, बहुत जल्दी पक जाता है। देखिए, तिखुर का हलवा जैसा हो गया तुरंत। और इसे फिर नमक डाल दिए हैं और जीरा डाल देंगे और ले जा कर के ऊपर फैला देंगे प्लास्टिक पर। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं रेनू एक बार फिर से आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। और अभी देखिए, दोपहर के 1 बज चुके हैं और मैं यहाँ पर देखिए चिप्स लेकर आई हूँ छत पर फैलाने के लिए। धूप इतना तेज़ है कि कहना नहीं है, सुबह से करते करते टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। क्या धूप है तो सूख जाएगा। तो चलते हैं, अभी चिप्स को फैलाते हैं। पहले एक बार पहले बनाए हैं थोड़ा सा और आज भी करीब 2 kg के लगभग आलू का काटे हैं। तो अभी तो यही है सीजन चिप्स पापड़ बनाने का, तो अभी वही करने जा रहे हैं। बने रहिएगा वीडियो में आप सब। इधर
देखिए कितना धूप है और इसी में बैठकर मैं फैला रही हूँ पापड़। अब धूप हो या छाँव, काम तो करना है और घर गृहस्थी कोई मामूली नहीं होता है संभालना, ये भी बहुत मेहनत होता है घर गृहस्थी भी संभालने में। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, इधर देखिए मेरा चिप्स आलू का सूख गया है, लेकिन अच्छा से नहीं सूख पाया है, कल थोड़ा सा धूप दिखाना पड़ेगा, ऐसा सूख ही गया है। कितना अच्छा बना है, एकदम वाइट, एकदम साफ है। और इधर देखिए आलू का जो सत था उसका बनाया है पापड़, अभी उठाने आए हैं, 5:30 बज गया है शाम का, इसे उठा करके रख देंगे, सुबह से फिर से देर धूप में डाल देंगे ताकि अच्छा से सूख जाएगा, फिर इसे रख देंगे डब्बा में। धूप तो बहुत तेज था लेकिन लेट से डाले, 2 बज गया था डालने में ही, 1-2। देखिए ढेर सारा बनाए हैं। अब चिप्स नहीं बनाएंगे, हो गया चिप्स का काम, अब पापड़ बनाएंगे, साबूदाना का, आलू का पापड़ नहीं बनाए हैं अभी, जब बनाए थे वो भी खत्म हो गया। होली बाद ही बनेगा सब, अंधेरा हो गया है, देखिए दिखाई भी नहीं दे रहा अच्छा से अंधेरा के चलते, सब उठा करके इसे रखना है। से उठा करके रख ले रहे हैं। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, इधर देखिए छवि, क्रिस सभी लोग बैठे हैं हम लोग शाम के समय में। अरे देखिए क्रिस समोसा ला के रखा है खाने के लिए, उधर अभी लैपटॉप चला रहा है, तो आप लोग भी आइए समोसा खाने, गरम गरम समोसा लाया है अभी, बहुत टेस्टी समोसा यहाँ का बनता है ठेला पर स्पेशल एकदम, तो वही लेकर आया, साथ में चटनी भी है। क्रिस तुम तो लैपटॉप चला रहे हो, खाओ ठंडा हो जाएगा तुम लोग का समोसा, एक बार खाएंगे तो बार बार एक बार खाएंगे यहाँ का समोसा तो बार बार खाएंगे, बहुत टेस्टी होता है, इसलिए होटल छोड़ करके ठेले पर से लाता है इन लोग। फ्रेंड्स आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट करना मत भूलिए, वीडियो काफ़ी मेहनत से बनाते हैं हम लोग, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए ताकि मेरा चैनल ग्रो हो सके। और मिलते हैं आप सबसे नए ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, समोसा खाने जा रहे हैं हम लोग, टाटा।